को क्या सिखाते हैं कि स्कूल में गंद नहीं डालना चाहिए। चलो आओ जल्दी से। कोई कूड़ा करके डालते हैं, अपने जहाँ जगह है उसकी जगह बनाई वहीं डालना चाहिए। घर में सफाई होनी चाहिए, बाहर को भी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, शुरू से जब जो छोटी लैंग्वेज बच्चे हैं उनको भी शिक्षा देनी चाहिए हमने सफाई में रहना है और सफाई में। ऐसा होना चाहिए कि जिससे ऑडियंस जो आपकी आई है, जो आपका जो पाठक पढ़ रहा है आपका नाटक, दो चीज़ें ज़रूरी हैं स्टार्ट में। एक तो स्टार्ट में उसको एक फ्रेग्रेंस आ जानी चाहिए कि किस तरफ जाने वाला है ये नाटक, मतलब इशू कौन सा इसमें आने वाला है, वो एक फ्रेग्रेंस ज़रूर आ जानी चाहिए, वो कुछ वो एक आ जानी चाहिए, पता चल जाना चाहिए, थोड़ा सा स्मेल हो जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो चाहे कोई टेंस मोमेंट हो या किसी कैरेक्टर की एंट्री, कुछ भी। टेंशन है आपकी, आई चीज़ को इतना ज़्यादा आप बढ़ा दिया आपने, इतने लेवल तक ले गए आप कि आपके पास आगे मटेरियल नहीं है कि इसको मैं मेंटेन कर के रखूँ। दैन जिहड़ा फैसटिवल हो रहा एक महीने का, ये इस तरह का तीसरा एफर्ट है, हालांकि TFT वालों बहुत फैसटिवल किए जाते वे वे। सो मैं समझता चंडीगढ़ शहर वास्ते और साढ़े वास्ते थिएटर वाले लोगों वास्ते मतलब मेला है, बहुत बड़ा कुंभ है, तो ये किन्ने कुछ हो रहा। मैं बड़ा अच्छा लगा दो दिन की स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप। उन्होंने एक गल कही थी कि मैं एक ऐसे नेशन की कल्पना करता जिथे सिखां नूं अपने गुरद्वारे में अपने पाठ रखने की इजाजत होए, हिंदुओं नूं मंदिरों में इजाजत होएगी, कोई भी मजहब की गल तो मजहब का ही, बेशक साडा बंटवारा जिहड़ा है वह मजहब के आधार पर होया है मुल्कां दा, लेकिन मेरे इस मुल्क में सारे मजहबों नूं बराबर का आदर सम्मान मिलेगा। लेकिन ये गल्लां वक्ती सन, ये उसनों भी एहसास थी कि चीज़ा कायम नहीं रहनगियां, और एक साल जिंदा रहा मैं, जिन्हों के बारे सिर्फ इन गल कर सकता ज्यादा मुश्किल हो जाएगी कि आप उस रोशनी में कौन सी गीता सुनोगे कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त पर्दा गिराओ, कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त पर्दा गिराओ, और हो सके तो वक्त है अब भी घरों को लौट जाओ, और फिर सांकल चढ़ा कर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की। ये खुशनसीबी का मौका था कि आज रूबरू होने का मौका मिला कलाकारों से, और वो लोग जो कला संस्कृति चित्रकला रंगमंच और अदब साहित्य से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच में चंद लम्हे बिताकर मुझे बेहद खुशी हुई है। मुझे लगा है कि मैं अपने माहौल के जहरीलेपन से मुक्त होकर कुछ एक वक्त अच्छे लोगों के बीच में बिता पाया।
हमेशा के लिए जा रहे हैं। शुरू के एक दो सालों में बहुत मन हुआ वापस चले जाए। जम्मू के रिफ्यूजी कैंप में माँ गुजर गई, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचिए, जम्मू की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्या दिल्ली में होती तो क्या होती। जहांगीरी मोहब्बत रंग लाई, निशात नहीं अचबल, ये देखा है मैंने कश्मीर में। चिनाब और झेलम सभी को खूबसूरत, पर किशनगंगा की मुस्कुराती लहर देखी है मैंने कश्मीर में। इस बार भी एक अपॉर्चुनिटी दिया कि यहाँ एक पार्टिसिपेट करने का, और बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा एक अच्छी बात क्या है कि चंडीगढ़ का ऑडियंस वॉज वेरी अमेजिंग। बेसिकली आप लोगों के बिना हम कुछ नहीं। एक्सपीरियंस तो मतलब क्योंकि मेरा पहला ये इनके साथ इंटरेक्शन है TFT के साथ, एंड आई फाउंड इट वेरी गुड। और ये सुदेश तो मेरे बहुत पुराने साथी हैं, मुझे नहीं मालूम था कि इतने लोग और इतने साथी मेरे पुराने मिल जाएंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल चंडीगढ़ के पड़ोस का अम्बाला कैंट का रहने वाला हूँ और चंडीगढ़ में मेरा समय बीता। उसके बाद मैंने NSG किया और इस काम करते रहे, एंड आई फाउंड दिस ऑडियंस रियली रियली वंडरफुल। प्रकृति की ब्यूटी है, सुंदरता है, वो जो उसमें पाई जाती है, उसका उपयोग किस किस तरह से कोई अनुभव करता है, ये पूरा दृश्य इसमें दिखाया गया है। और जो उसकी कारीगरी है पश्मीना शॉल की, उसी में कितनी कीमत है, इंसान की पूरी भावनाएं उसके अंदर समाई हुई है। उसके लिए आदमी सब कुछ भूला हुआ है, यही पश्मीना शॉल की तारीफ है और यही उसकी कारीगरी है। बहुत ही अच्छा लगा, इट वाज रियली वेरी टचिंग। वाकई कश्मीर की प्रॉब्लम समझ रही, वी एंजॉयड द प्ले।